28 गेंदें 75 रन T20 में ये स्कोर बहुत बड़ा माना जाता है। आप बेशक कितनी भी तेज पारी खेलें लेकिन मात्र इतनी गेंदों में इतने सारे रन बना देना अनरियल लगता है। अभिषेक शर्मा ने काम करके दिखाया लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। इस पूरे सीजन में 23 साल के अभिषेक शर्मा ने पूरी तरीके से सीजन को अपने नाम कर रखा है। ऑरेंज कैप जरूर उनके पास नहीं है लेकिन इस सीजन अभी भी वो 400 रन से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 200 से ज्यादा का है। साथ में ट्रेविस हेड मिल जाते हैं और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने इस आईपीएल में जो कमाल किया है, जो तहलका मचाया हुआ है, वो हर कोई देख रहा है। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी कई दफा मैच में हमने देखा है जिस वजह से अभिषेक शर्मा की बात ज्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन इस मुकाबले में हैदराबाद ने जिस तरीके से लखनऊ को हराया है, अभिषेक शर्मा की चर्चा हर ओर हो रही है। T20 टीम का ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी अगर कुछ मौका बन सकता है तो अभिषेक शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में ले जाइए और ओपनिंग कराइए। लेकिन अभिषेक शर्मा ऐसा नहीं सोचते हैं। अभिषेक शर्मा मैच के बाद सामने आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो किसी किसी धन्यवाद करना चाहते हैं। ये शानदार जो उनके लिए सीजन बीता है, जो शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है, उसके लिए कुछ एक नाम उन्होंने लिए हैं जिन्हें उन्होंने थैंक यू कहा है। अभिषेक ने मैच के बाद कहा है, मैंने ऐसे टूर्नामेंट में आने से पहले इतने स्ट्राइक रेट से खेलने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट को धन्यवाद, उन्होंने अपना मैसेज बड़ा क्लियर दिया, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ट्रेविस की पारी पर अभिषेक ने कहा है, जिस तरह से वो सभी गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत करते हैं, वो शुरू से उनका पीछा करते हैं और दबाव हटा देते हैं। अभिषेक ने आगे कहा है, पारी ब्रेक के दौरान गेंदबाजों ने हमें बताया था कि पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो गई। मैंने और ट्रेविस ने सोचा कि ये कुछ खास नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से पहले मैंने जो कड़ी मेहनत की है वो अब दिख रही है। इसके लिए युवराज सिंह, ब्रेन लारा और मेरे पिता और मेरे सबसे पहले कोच को धन्यवाद। यानी 23 साल के अभिषेक शर्मा ने तो ऐलान कर दिया कि भाई जल्दी ही भारतीय टीम का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं, जल्दी ही आपको भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। इस वर्ल्ड कप में ना सही, वर्ल्ड कप के बाद ही सही, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो ब्रांड ऑफ T20 क्रिकेट अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, उसकी जरूरत सच में भारतीय टीम को है। अभिषेक शर्मा का सीजन अब तक शानदार रहा है, लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा क्या अभिषेक और ट्रेविस हेड की जोड़ी हैदराबाद को इस सीजन का चैंपियन बना पाती है या फिर नहीं।